मैं संजय श्रीजन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। मैं हूं आशुतोष शुक्ला और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिप्लोमा इन फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर 3 के टॉपिक प्रिजर्वेटिव्स को। इससे चैप्टर 3 में दो टॉपिक्स हैं आपके, फार्मास्यूटिकल एडिटिव और प्रिजर्वेटिव। जो उसका सेकेंड पार्ट है चैप्टर 3 का प्रिजर्वेटिव फार्मास्यूटिकल एड्स एंड फार्मास्यूटिकल एडिटिव के बारे में हमने डिस्कस किया है लास्ट वीडियोस में, उनको आप जाके देख सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे प्रिजर्वेटिव्स के बारे में। तो ये शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास रेगुलर वीडियो लेक्चर्स एंड फ्री पीडीएफ नोट पहुंचते रहे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि इसके नाम से ही पहले भी मैंने कहा है कि अगर हमें किसी भी चीज़ को किसी भी टॉपिक को समझना है तो पहले जनरल लोग वो टॉपिक जिन वर्ड से मिलकर बना है उस वर्ड की अगर मीनिंग को हम समझ लें तो बहुत आसान होगी किसी भी टॉपिक को समझने में। तो ये जो टॉपिक है ये है प्रिजर्वेटिव, और प्रिजर्वेटिव जो वर्ड है ये बना हुआ है वर्ड से प्रिजर्व वर्ड्स। किसी भी चीज का संरक्षण करना, किसी भी चीज को बचा के रखना, किसी भी चीज को सुरक्षित रखना। तो ये जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं इसके वर्ड से हमें क्या मतलब समझ में आ गया कि ये किस लिए यूज किए जाते होंगे, प्रिजर्व करने के लिए। तो प्रिजर्वेटिव आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज या विच आर एडेड टू एनी प्रोडक्ट। एनी प्रोडक्ट मतलब या ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में भी ऐड किए जाते हैं, ये फ्रूट प्रोडक्ट में भी ऐड किए जाते हैं, ये लकड़ियों के प्रोडक्ट में भी ऐड किए जाते हैं। यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट में फार्मास्यूटिकल प्रिजर्वेटिव सब्सटेंसेस को ऐड किया जाता है टू प्रिजर्व द फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन को प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव का यूज किया जाता है। जो भी हमारी फॉर्मुलेशन है, फूड प्रिपरेशन है, कोई हम खाना बना रहे हैं उसमें हम प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं, कुछ भी हम जो ऐसे फूड प्रोडक्ट है उनको सेफ रखने के लिए यूज करते हैं। आपने गांव में देखा होगा घरों में जब गेहूं को इकट्ठा करके रखा जाता है तो उसमें नीम की कुछ पत्तियां डाल दी जाती हैं। तो वो नीम की पत्तियां क्या, नीम की पत्तियों में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, वो माइक्रोब्स को उन गेहूं में नहीं पड़ने देते, नहीं तो कहा जाता है ना गेहूं में घुन लग गया। तो ये जो प्रिजर्वेटिव होते हैं यही बचाते हैं गेहूं को घुन लगने से। और अगर गेहूं में घुन लग जाता है, सिंपल टर्म में हम समझ लें यही हर जगह पे होता है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होगा, प्रिजर्वेटिव का हम जनरल मतलब, अगर गेहूं में घुन लग गया तो क्या हो जाएगा, गेहूं हमारा खराब हो जाएगा। और अगर गेहूं में घुन नहीं लगा तो गेहूं हमारा लंबे समय तक बना रहेगा, लंबे समय तक उसकी क्वालिटी बनी रहेगी। तो वही कि प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं टू प्रिजर्व द फॉर्मुलेशन। अब फॉर्मुलेशन को किससे बचाने के लिए, पहला कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन से बचाने के लिए। माइक्रोबियल कंटामिनेशन मतलब कि अगर उसमें कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगस, कुछ एलर्जी, ये अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर गए तो वो हमारे फॉर्मुलेशन को खराब कर देंगे, या उसमें कुछ केमिकल चेंजेस होने से बचाने के लिए, कोई उसमें जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसके केमिकल में कोई चेंजेस ना होने पाए, इसके लिए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का यूज किया जाता है। केमिकल चेंजेस मतलब जैसे कि कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो कि हमारी फॉर्मुलेशन को खराब कर सकते हैं, जिन्हें कहा जाता है डिग्रेडेशन पाथवेज, डिग्रेडेशन रिएक्शन भी आप कह सकते हैं। कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो कि हमारे जो भी फॉर्मुलेशन है उसकी केमिकल स्टेबिलिटी को खराब कर सकते हैं, जैसे है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, रेसिमाइजेशन, पॉलीमराइजेशन। ये कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जिनको केमिकल डिग्रेडेशन पाथवेज कहा जाता है, कि जो अगर हमारे फॉर्मुलेशन में हो जाएगी, जैसे अगर ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो ये बहुत से उस ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने की वजह से हमारे प्रोडक्ट के कि केमिकल स्टेबिलिटी में चेंजेस आ जाता है, और केमिकल अगर चेंजेस हो गया तो यानी उसकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी। वैसे ही हाइड्रोलिसिस, यानी ये है क्या हाइड्रोलिसिस, मतलब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। सो
प्रिजर्वेटिव आर द केमिकल, ये क्या होते हैं, केमिकल होते हैं विच आर यूज टू प्रिजर्व द फॉर्मुलेशन फ्रॉम माइक्रोबियल कंटामिनेशन और एनी केमिकल चेंजेस. केमिकल चेंजेस सच एज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस एक्सेट्रा. एंड अब क्या होगा कि इन्होंने, ये हमने देखा कि प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, क्या करते हैं और किन किन चीजों को रोकते हैं. अब इन्होंने किसी प्रोडक्ट के को प्रिजर्व किया तो उससे क्या होगा, प्रिजर्व करने के बाद जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा उसकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज कर जाएगी. सेल्फ लाइफ क्या होगी, बढ़ जाएगी. जैसे अभी हमने गेहूं का एग्जांपल दिया कि गेहूं में नीम की पत्तियां रखी जाती हैं ताकि उनमें घुन ना लग सके. तो अगर घुन नहीं लगेगा तो गेहूं हमारा लंबे समय तक चलेगा. वैसे ही दवाएं जो बनती हैं, आप देखें दवाओं में क्या होती है, दो चीजें पड़ी हुई होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है और एक होती है एक्सपायरी डेट. ये जो मैन्युफैक्चरिंग डेट से लेके एक्सपायरी डेट के बीच का जो समय होता है इसी को प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ कहा जाता है. यही होती है किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी मेडिसिन की सेल्फ लाइफ. मतलब इतने समय तक उस दवा में, उस प्रोडक्ट में जो भी क्वालिटी, जो भी प्रॉपर्टीज बताई गई है उसका जो भी असर है वो इतने समय तक बरकरार रहेगा, इतने समय तक वो एज इट इज बना रहेगा. और इसी को बता, और अगर मान लीजिए उस प्रोडक्ट में कुछ माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो गया, कोई माइक्रोब्स ग्रो कर गए या कोई केमिकल्स चेंजेस हो गए तो क्या होगी, उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी. यानी अगर एक्टिविटी, यानी वो प्रोडक्ट जल्दी खराब हो जाएगा तो सेल्फ लाइफ डिक्रीज हो जाएगी और उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए. तो हमने क्या देखा कि प्रिजर्वेटिव ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि फॉर्मुलेशन को प्रिजर्व करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन से बचाने के लिए, केमिकल चेंजेस से बचाने के लिए, जिससे कि प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ और उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज या मेंटेन किया जा सके. अब हम देखते हैं कि ये जो प्रिजर्वेटिव जो होते हैं इनकी क्या आइडियल प्रॉपर्टीज होती है, कैसे होने चाहिए ये प्रिजर्वेटिव. तो प्रिजर्वेटिव का काम हमने जान लिया, इनके जो आइडियल प्रॉपर्टीज के बारे में हम देखेंगे. इनके प्रिजर्वेटिव का हमने काम ये जान लिया कि प्रिजर्वेटिव का काम होता है कि हमारे फॉर्मुलेशन को जैसा, जिस भी उद्देश्य के लिए वो फॉर्मुलेशन बनाया गया है, जिन भी क्वालिटीज के साथ उसको बनाया गया है, उसको बरकरार रखे. तो पहला चीज, ये नॉन टॉक्सिक होना चाहिए. नॉन टॉक्सिक का मतलब क्या है, ये किसी भी तरीके का कोई हमें नुकसान ना पहुंचाए. दूसरा कि नॉन इरिटेंट होना चाहिए. नॉन इरिटेंट का मतलब क्या होता है कि ये किसी भी तरीके का इरिटेशन ना कॉज करे. कुछ ऐसे होते हैं कि उससे फूड आप खाते हैं तो वहाँ पे कुछ दवाएं हैं जिनकी वजह से एलर्जी होने लगती है, तो वो इसकी वजह से नहीं होनी चाहिए. और ये बहुत ही लो कंसंट्रेशन में इफेक्टिव होने चाहिए. लो कंसंट्रेशन में भी ये इफेक्टिव होने चाहिए. इनका जो इफेक्ट है बहुत कम मात्रा में अगर हम इसको ऐड कर दें तब भी होने चाहिए. तो जो हमारा जो प्रिजर्वेटिव है ये फिजिकली और केमिकली स्टेबल होना चाहिए. प्रिजर्वेटिव्स अगर फिजिकली और केमिकली स्टेबल नहीं होगा तो ये खुद ही, ये किसी को बचाने के लिए यूज किए जा रहे हैं और अगर खुद ही नहीं उतना मजबूत है, जैसे कि आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल कहीं किसी का झगड़ा हो जा रहा है और आप एक साथ अपने साथ किसी को ले गए तो आप किसको ले जाएंगे, मजबूत को या कमजोर को, जो खुद को ना बचा पाए वो आपको क्या बचाएगा. वैसे ही यहाँ पे चीजें भी फिजिकली और केमिकली स्टेबल होना चाहिए. और दूसरा क्या, कॉम्पेटिबल होना चाहिए. कॉम्पेटिबल मतलब कि जिस भी केमिकल के साथ, जिस भी प्रोडक्ट में हम ऐड कर रहे हैं उसमें ये किसी तरीके की कोई रिएक्शन उनके साथ मिलकर कोई इंट्रैक्शन ना शो करते उनके साथ, ये कॉम्पेटिबल होना चाहिए. इकोनॉमिकल होना चाहिए, मतलब कि कॉमर्शियल ग्रेड जो है इसका वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए. तो ये हो गए हमारी कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज.
अब हम देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव के टाइप क्या है, कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो प्रिजर्वेटिव के जो टाइप्स है ये मेन दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका नेचुरल और दूसरे होते हैं क्या, सिंथेटिक। नेचुरल और सिंथेटिक, और नेचुरल और सिंथेटिक ये केमिकल्स होते हैं। फिर फर्दर इनको नेचुरल में आप अभी आगे देखेंगे क्लासिफाई कर लेंगे, जैसे नीम है, आपका हनी है, इन सबको हम नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स के रूप में यूज करते हैं। और बाकी जैसे आपका केमनोफ्लोर है, जो बेंजोएट्स हैं, पीजीटीए है, अल्कोहल है, दीज आर सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव। और फादर इनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर, ये जो इनको नेचुरल और सिंथेटिक में जो बांटा गया है, ये बेस्ड ऑन देयर सोर्सेस, कि कहां से ये प्राप्त होते हैं, उनके बेसिस पे इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नेचुरल, नेचुरल में आपका जैसे नीम ऑयल हो गया, हनी हो गया, ये सब क्या है, नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स के एग्जांपल है। और सिंथेटिक में हमारा बेंजोएट्स हो गए, बीटा हाइड्रोक्सी टॉलुइन हो गया, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बीएचटी कहते हैं, अल्कोहल्स हो गए, ये सब आपके क्या है, ये सिंथेटिक है, मतलब कि ये बनते तो नेचुरल से ही है, बट इनमें केमिकल कन्वर्जन किया जाता है। अब फर्दर इनको मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पे भी क्लासिफाई किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पे इनको कुछ तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला है आपका एंटीऑक्सीडेंट, फर्स्ट टाइप है एंटीऑक्सीडेंट। सेकंड है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। और थर्ड है चिलेटिंग एजेंट। ये इनके मोड ऑफ एक्शन, यानी ये किस तरीके से काम करते हैं, इनके बेसिस पे भी प्रिजर्वेटिव्स को क्लासिफाई किया गया। तो जैसे एंटीऑक्सीडेंट का आपका एग्जांपल हो गया विटामिन ई, और बीएचटी जो भी हमने बताया, बीटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टायरिन, केमनोफ्लोर, कुछ ऐसे बहुत सारे हैं जिनका, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यूज किए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट मतलब जिस नाम से पता चल रहा है, एंटी मतलब विपरीत, ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेशन, यानी जो हमारे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकने के लिए ये यूज किए जाते हैं। देन आ जाता है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, यहाँ पे बेंजोएट्स का इस्तेमाल किया जाता है। बेंजोएट्स क्या करते हैं, जैसे बेंजल कोनियम क्लोराइड हो गया, ऐसे इनका यूज किया जाता है। ये क्या करते हैं, ये हमारे जो फॉर्मुलेशन है वहां पे माइक्रोब्स को ग्रो नहीं करने देते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ को ये रोक देते हैं, और अगर माइक्रोब्स नहीं ग्रो करने पाएंगे तो माइक्रोबियल कंटामिनेशन नहीं हो मान पाएगा। अब ये चिलेटिंग एजेंट क्या करते हैं, चिलेटिंग एजेंट जो होते हैं हमारे, इनका एग्जांपल जैसे है पीजीटीए, ये क्या करते हैं, ये जो भी उसमें जैसे कुछ हमारे प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट में कुछ ऐसी फॉरेन पार्टिकल, ऐसे वेस्ट पार्टिकल है जो कि हमारे प्रोडक्ट को खराब कर सकते हैं, तो ये चिलेटिंग एजेंट क्या करते हैं, उनके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब ये होगा जिलेटिंग एजेंट, ये मान लीजिए फॉरेन पार्टिकल है, तो ये जिलेटिंग एजेंट क्या करेंगे, इसको अपने साथ जोड़ लेंगे, अपने साथ जोड़ लेंगे, तो इसकी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, ये चिलेटिंग एजेंट के नेचर का हो जाएगा। तो मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पे तीन टाइप में डिवाइड किया गया प्रिजर्वेटिव को, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल एजेंट और चिलेटिंग। इसी तरीके से हम इनकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी समझ सकते हैं, क्या इनके एडवांटेज है और क्या इनके डिसएडवांटेज। एडवांटेज मतलब क्या इसका फायदा है, डिसएडवांटेज मतलब क्या इसका नुकसान है। तो सबसे पहला एडवांटेज कि हमारे प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है, प्रिजर्व करता है, उसकी सेल्फ लाइफ को मेंटेन रखता है, हमारे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है, स्टेबल बनाता है हमारे प्रोडक्ट को, और स्टेबल बना रहा है तो फिर उसी प्रोडक्ट की एक्टिविटी को भी ये मेंटेन रख रहा है। डिसएडवांटेज इसका कुछ ही है कि कुछ कुछ जैसे कुछ फूड में ये इरिटेशन कॉज कर देता है।
अगर हम सही ढंग से इसका इस्तेमाल ना करें तो ये कुछ सीवियर हमें डिजीज भी कॉज कर सकता है। तो ये था गाइस आज का हमारा टॉपिक प्रिजर्वेटिव। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं एंड टॉपिक के पीडीएफ नोट को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।